मुरादाबाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसके तहत दिनांक 3/5/2023 जिला बार एसोसिएशन के सभागार में निर्विरोध चुनी हुई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरीष मल्होत्रा, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग मौजूद रहे। सर्वप्रथम जिला बार एसोसिएशन सभागार में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नव निर्वाचित कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सोमपाल सिंह, महासचिव सरदार प्रकाश वीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह, उपाध्यक्ष गजराम सिंह, डॉक्टर संध्या दीक्षित, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव अफाक हैदर जैदी, शमशाद हुसैन, गोविंद प्रकाश और सदस्य कार्यकारिणी में अमरुद्दीन गजेंद्र पाल सिंह, महेंद्र कुमार सैनी, ऋषि कुमार सक्सेना, चैतन्य पाल सिंह, शकील अहमद, राकेश कुमार गुप्ता, राजेश कुमार विश्वकर्मा, के मालवीय, अचल दीक्षित, आफरीन अफीक, रागनी ठाकुर को मुख्य अतिथि द्वारा शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश ने नव निर्मित कमेटी को बधाई दी और साथ ही कहा कि बार और बेंच दोनों ही एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करेंगे, जिससे नगर पालिका की गरिमा बढ़ेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिरीष मल्होत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग द्वारा अधिवक्ताओं के हित में काफ़ी योजनाओं को ला रही है। योजनाओं में अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखा गया है। सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आए सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नव निर्वाचित कमेटी को बधाई दी। आपकी गरिमा में हमारी गरिमा है, हमारी गरिमा में आपकी गरिमा है और दोनों की गरिमा से न्यायपालिका की गरिमा। हमको क्या करना है, एक दूसरे को मजबूर करना है, एक दूसरे की गरिमा बनानी है। जिस संदेह को चाहिए तो छोड़ ही नहीं मिले। तो मैं बाहर है, बाहर एसोसिएशन लाइब्रेरी का अध्यक्ष मंत्री जी को बड़ा साधु आता और बहुत अरसे से कहता था कि सब एक रहे, सब एक साथ हों और आप जितना एक साथ होंगे उतना आपकी मजबूती होगी और निस्संदेह रूप से न्यायपालिका की हमारे वो विधायक जो हैं, हमारे जो युवा साथी बैठे हैं प्रधानमंत्री जी की हमेशा बात को लगे की बात करते हैं। बहुत अच्छा है, समय आज कम है, बारिश की वजह से हम लोगों के पास समय कम है। ठीक है, समय से जब से मैं यहाँ हूँ, चाहे वो पूर्व कार्यकारिणी हो या वर्तमान कार्यकारिणी, निस्संदेह हमारे मन में कोई दुराव नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई डरा नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं जब मैंने बार के अध्यक्ष और मंत्री जी को बुला के चर्चा ना करी और उसका समाधान करने की कोशिश ना करी। ऐसी कोई स्थिति और ना ही ऐसी कोई स्थिति भविष्य में आने वाली है। बहुत अच्छा सामंजस्य है, अच्छे से काम होता रहा है, कुछ सीमाओं में काम करना पड़ता है, अत्यंत हस्तक्ष है कहते हुए कोई संकोच नहीं। बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, पूर्व अध्यक्ष और सदस्य इस समारोह की निस्संदेह गरिमा बना रहे, उपस्थित सभी अधिवक्ता बंधुओं और हमारे क्योंकि आज मंगल कार्यक्रम, तो मंगल कार्यक्रम की शुरुआत नव निर्वाचित कार्यकारिणी पूरी न्यायपालिका की तरफ से अपनी शुभकामनाएं लेकर करना चाहूंगा। हमारी शुभकामनाएं नव निर्वाचित कार्यकारिणी के साथ है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यकारिणी के चाहे वो अध्यक्ष की हो, चाहे मंत्री की हो, चाहे उपाध्यक्ष की हो, चाहे सदस्य की हो, उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन किसी उद्देश्य के लिए किया होगा और प्रभु उनको उस उद्देश्य में सफल करे, ये मेरी मंगल। मुझे आज इतना अच्छा लगा